स्वप्निल को किसी अच्छे स्कूल में लगवा देंगे तुरंत। अभी हमारी MSc स्टूडेंट पास किया है तो ओमकारेश्वर में आवश्यकता है फिजिक्स की, तो आज भेज रहे हैं उसको। प्रीति अवस्थी, पूजा अवस्थी मैडम है, तो हमसे कह रही थी कि आप हमारे 12th वाले बच्चों को पढ़ा दीजिए, तो हमने कहा हम 12th नहीं पढ़, तो हमारे टाइम भी नहीं है, तो हमने फिर उसको आज कहा है। शिवांगी पांडे है, MSc किया है अपने DAV से, DVS ने DAV से 74-75% है, पढ़ने में अच्छी है, पढ़ाती है, हाँ उसके भी अच्छी है। तो जितने भी थे, एक दो बैक लगे फंसे चल रहे थे, वो भी फर्स्ट डिवीजन हो गए। सब इलेक्ट्रॉनिक्स ही लिए थे, वो तब की स्थिति अलग थी ना। कंडेंस मैटर लेके थोड़ा बहुत पढ़े, फिर आगे नहीं कोई पढ़ा। अब रहेगा, अब पैटर्न बदला है ना। लास्ट टॉपिक है क्लासिकल सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। In the semi-classical theory, in the semi-classical theory of radiation, in the semi-classical theory of radiation, atoms of the material particles, atoms of the material particles, atoms of the material particles are treated quantum mechanically, but the electromagnetic radiation, but the electromagnetic radiations electromagnetic radiations but the electromagnetic radiations with electromagnetic radiations interacted and treated
ट्रीटेड क्लासिकली, ट्रीटेड एज ए क्लासिकल पार्टिकल, क्लासिकल पार्टिकल, ट्रीटेड एज ए क्लासिकल पार्टिकल, ट्रीटेड एज ए क्लासिकल पार्टिकल, ठीक है। सच टाइप ऑफ थ्योरी, थ्योरी सच टाइप ऑफ थ्योरी, थ्योरी इस टाइप की जो थ्योरी है इज कॉल्ड सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। दूसरा पॉइंट, इस सेमी क्लासिकल थ्योरी में पार्टिकल का बिहेवियर क्लासिकल पार्टिकल की तरह है, और जो मोशन में एचन्यू के पैकेट्स का एब्जॉर्ब करना या एमिट करना है वो किसकी अकॉर्डिंग है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन दिस थ्योरी, इस थ्योरी में पार्टिकल एक्टिंग एज ए क्लासिकल पार्टिकल, क्लासिकल पार्टिकल एक्टिंग एज ए क्लासिकल पार्टिकल, क्लासिकल पार्टिकल, क्लासिकल पार्टिकल विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, रेडिएशन आर एमिटेड बाय द पार्टिकल, बाय द पार्टिकल, पार्टिकल रेडिएशन एमिटेड बाय द पार्टिकल, पार्टिकल आर डिस्क्राइब्ड बाय, radiations are emitted by the particle are described by quantum mechanics, described by quantum mechanics। ये है सेमी क्लासिकल थ्योरी। अभी और पॉइंट, ये बंद करो, ये वाली लाइट बड़ा वाला है, हाँ बस बस। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, चौथा पॉइंट, इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल्स इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स
एंड द रेडिएशन फील्ड एंड द रेडिएशन फील्ड रेडिएशन फील्ड correspond to interaction term correspond to interaction correspond to interaction 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 in the Hamiltonian in the Hamiltonian, which are treated by time dependent, treated as time dependent perturbation theory time dependent perturbation theory ठीक है time dependent perturbation theory ये भी पेपर है उससे अब जो भी थ्योरी आ रही है ना अलग अलग अब उन्होंने सेमी क्लासिकल थ्योरी रख दी तो पता चला उसका मटेरियल बुकों में नहीं है वो आपका पेपर के रूप में नेट पे है ये चल रहा है मतलब नई नई चीजें उठा के रख दी जो अभी पेपर के फॉर्म में है तो पता चला पेपर 20 पेज का है अब 20 पेज का थोड़ी ना लिख दोगे आप देखिए सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन डिस्क्राइब्स एब्जॉर्प्शन एंड इंड्यूस्ड एमिशन Describe absorption and induced emission. Describe absorption and induced emission. Induced emission. ठीक है. But It is insufficient sufficient to describe the spontaneous emission. Spontaneous emission. Semi-classical theory of radiation describe absorption and induced emission. ठीक है but it is sufficient to describe ठीक है describe the spontaneous emission. देखिए द क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड to describe the spontaneous emission
एमिशन, डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनियस. हैमिल्टोनियन ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन, हैमिल्टोनियन ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन ठीक है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन in absence of, अरे यार तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो, in the absence of, in the absence of, हाँ बर्बाद कर दे, फोन दे ले ही नहीं, in the absence of, in the absence of external, अभी ये इसके अंदर वो नहीं आई मैच्योरनेस, एक्सटर्नल पर्टर्बेशन, नाइन्थ में पहुंच गया है, बीपीएस में है, नहीं कल पेपर है ना, तैयारी कर रहे हैं, ये देख रहे तैयारी इनकी, एच नॉट बराबर पी स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी इज द फंक्शन, तैयारी चल रही है इनकी. आजकल के बच्चे मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, लेबोरियस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है ना, आप बच्चों को ये समझिए कि एक एमएससी प्रीवियस में बच्चा आया, वो कह रहा सर बहुत आर्थिक स्थिति खराब है, तो हमने कहा तुम किससे आते हो, कहता टेम्पो से, तो हमने आर्थिक स्थिति खराब है टेम्पो की जगह साइकिल लो, साइकिल से आओ कितने रुपए किराए में खर्च होते हैं, या 60 रुपए में 50 रुपए का जूस पियो, मजबूत भी हो जाओगे, शरीर भी तो चाहिए पढ़ने के लिए, 20 रुपए बच जाएगा. तीन पॉइंट और लिखेंगे, 10 पॉइंट और है, शॉर्ट के लिए ही है, लॉन्ग का तो वहां पे क्वेश्चन हो गया, हाँ तो वो है ना, A21 B21 का इंपॉर्टेंट हो गया, आपका टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी हो गई, वो तो मेन टॉपिक है ही है ना. अब ये पढ़ाएंगे आपको, अगले टर्न से शुरू करेंगे, डब्ल्यू के भी तो पिछले पहले लेसन, वो तो आना ही आना, देख लो. ये हो गया है सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ये पूरा हो गया है. अब ये स्कैटरिंग से पहले मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, क्लीन गार्डन इक्वेशन, ड्रेक इक्वेशन. हाँ अभी आ रहा है बस,
प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रैक मैट्रिसेस, प्लेन वेव, सॉल्यूशन ऑफ ड्रैक इक्वेशन, स्पिन एंड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन रिलेटिविस्टिक रिडक्शन टू ड्रैक इक्वेशन। तो पहले यूनिट फोर्स पढ़ा देंगे, वैसे ही लगाएगी, फिर स्कैटरिंग अलग है, तो थर्ड यूनिट स्कैटरिंग पढ़ाएंगे बाद में, ये पहले खत्म करा देंगे। आप देखिए जरा, क्या है, बस बस क्लास 10 मिनट में खत्म हो रही है। अरे यार कह दो कुछ और खा ले यार, अरे यार है वो। देखिए, सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नया लिखा गया तो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में मिलेगा। इन द सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन में एटम्स ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, जो एटम्स हैं मटेरियल पार्टिकल्स के, आर ट्रीटेड क्वांटम मैकेनिकली, उनको ट्रीट किया जा रहा है क्वांटम मैकेनिकली, मतलब एनालाइज किया जा रहा है। बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, एटम्स इंटरेक्टेड एंड ट्रीटेड एज ए क्लासिकल पार्टिकल। ठीक है, तो यहां पर इन द सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एटम्स ऑफ मटेरियल आर ट्रीटेड क्वांटम मैकेनिकली, बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, एटम्स ट्रीटेड एंड एटम्स इंटरेक्टेड एंड ट्रीटेड एज ए क्लासिकल पार्टिकल, जो इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, वो किसकी तरह ट्रीट किया जा रहा है, आपके क्लासिकल। सच टाइप ऑफ थ्योरी इज कॉल्ड सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इन दिस थ्योरी पार्टिकल एक्टिंग एज ए क्लासिकल पार्टिकल, क्लासिकल पार्टिकल विच ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्लासिकल मैकेनिक्स का डेवलपमेंट किसने किया था, न्यूटन ने, न्यूटन का ही है, तो न्यूटन्स लॉ को ओबे करने वाला पार्टिकल क्लासिकल पार्टिकल। रेडिएशन आर इमिटेड बाई द पार्टिकल आर डिस्क्राइब्ड बाई क्वांटम, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड द रेडिएशन फील्ड करस्पॉन्ड टू द इंटरेक्शन इन द हैमिल्टोनियन, करस्पॉन्ड टू द इंटरेक्शन इन द हैमिल्टोनियन विच आर ट्रीटेड एज ए टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। वो किसकी तरह ट्रीट करेगी, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन। सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन डिस्क्राइब एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एंड इंड्यूस एमिशन, बट इट इज इनसफिशियंट। इसके पास इनसफिशियंट का मतलब इसके पास इतने टर्म नहीं है, इतनी चीजें नहीं है टू डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनियस एमिशन, कि स्पॉन्टेनियस एमिशन डिस्क्राइब कर सके, इसके लिए उतने टर्म्स उसके पास नहीं है। ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्पॉन्टेनियस एमिशन। जो क्वांटम थ्योरी है रेडिएशन की, डिस्क्राइब करती है किसको, स्पॉन्टेनियस एमिशन को। हैमिल्टोनियन ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल पर्टर्बेशन इज गिवन बाई एच नॉट, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन टू एम वी आर, ठीक है, p लीनियर मोमेंटम है, p इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम है, m मास है, v पोटेंशियल एनर्जी, p लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी आर पोटेंशियल, अब देखिए,
ड्यू टू इंटरेक्शन के लिए विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडिएशन लीनियर मोमेंटम पी की वैल्यू पी का मान पी माइनस ई ए अपॉन्स पी माइनस ई ए अपॉन्स पोटेंशियल वी की वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी की वैल्यू वी प्लस ई फाई। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वी की वैल्यू डेल क्रॉस ए, ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई का मान माइनस डेल फाइव वन अपॉन सी देवर ए अपॉन देवर इस वजह से हैमिल्टोनियन हो गया जाके हैमिल्टोनियन ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड